हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। हमने जो फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स की जो शुरुआत की है, उसमें हमारा जो है सेकंड टॉपिक चल रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन प्लेन, मतलब काइनेमेटिक्स के पूरे शॉर्ट नोट है। आप बोल रहे हो कि काफ़ी शॉर्ट कर दिया है, इसलिए किया है क्योंकि उतना मेरे को लगता है कि सफिशियंट है, क्योंकि बाकी का जो है आपको उसमें निकालना है। उस वाला जो क्वेश्चन दे रखा है वो बहुत बड़ा है, जैसे कि मैंने टी ए की पावर ऐसी बहुत सारी क्वेश्चन है जो एक टॉपिक दे रखे उससे 10-12 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और मैंने ये भी बताया आपको, इसमें बहुत ही क्रंसाइज किया है। प्लीज जो 11th और 12th के बच्चे हैं, इसे प्लीज मत देखिए। अगर आपका चैप्टर हो रखा है तब तो आप देख सकते हैं, अगर आपका चैप्टर नहीं हो रखा प्लीज इसको मत देखना भाई, आपको रिक्वेस्ट रहेगी, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ, इसमें जो जितने भी नोट्स बता रहा हूँ मैं, इसमें जितनी भी कमी है, जैसे कि अगर मैं और भी क्वेश्चन करता हूँ, मुझे और भी न्यू वेरिएंट के अगर उसमें टेक्निक्स देखने को मिलते हैं, या फिर कोई न्यू फॉर्मूला अगर मेरे को देखने को मिलता है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता हूँ मैं इनको सामने रखता हूँ, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे सॉल्व हो जाते हैं इनको देखकर, इनके नोट्स को पढ़कर। तो इसलिए मैंने मैंने इतना ही इसको कंसाइज रखा है। अगर आपको चाहिए तो जितने भी अभी हम आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसमें मैं जरूर से इसके अंदर एड ऑन करते चले जाऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे पहले। इसमें जो है कभी कभी सर्कल का क्वेश्चन पूछ लेता है, तो सर्कल में जो ये जो है सेमी सर्कल का हमेशा क्वेश्चन पूछ लेता है, 1/3 जो आपका जो पार्ट आ जाता है। तो इसके अंदर आपको डिस्प्लेसमेंट याद रखना है जो कि √2r होता है, और डिस्टेंस जो आपका होता है π/2r होता है। क्या होता है, क्या होता है, π/2r होता है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आपको याद रखना है, क्या रखना है, √2r, और डिस्टेंस आपको π/2r, इस तरीके से आपको याद रखना है। कभी भी क्वेश्चन बहुत बार, एक दो बार में हमने क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस जब की थी तो उसके अंदर आपको देखने को मिला था, ठीक है। ds/dt क्या होता है, v, सबको पता है। dv/dt क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन एक और तरीके से लिखते हैं हम, v डॉट dv/dx, इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को भी लिखते हैं। एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूंगा उसके अंदर आ जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी की अगर मैं बात करूंगा उसके अंदर आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा v एवरेज की, अगर मैं बात करूंगा v1 + v2/2, ठीक है। v एवरेज कभी भी आपका अगर आ जाएगा, फॉर्मूला है भाई, अभी मैं क्या करूंगा, शॉर्ट नोट आपको इसी तरीके से रटने होते हैं। एवरेज स्पीड देख ली, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। v एवरेज कभी भी आ जाएगा तो v1 + v2/2 कर देना। उसके बाद SNL की अगर मैं बात करूंगा, u + a/2, 2n-1, इस तरीके से आपका SNL का फॉर्मूला आ जाता है जब आपको n टाइम में पूछा जाता है। ये फॉर्मूला आप बोल रहे होंगे चिंदी फॉर्मूला जो हमने 9th क्लास में पढ़ा रखा है, ये हमने बचपन से पढ़ के आ रहे हैं। तो भाई ये फॉर्मूला इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एक मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, इसमें अगर मेरे को टाइम और स्पीड निकालना हो, ये मेरा फॉर्मूला हर एक क्वेश्चन में लगता है भाई, और इससे बहुत ज्यादा मदद भी मिलती है। SNH की अगर मैं बात करूंगा, इसमें दो ही प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपको आफ्टर बोलेगा, आफ्टर 10 सेकेंड, आफ्टर 20 सेकेंड, या फिर इन 10 सेकेंड, कुछ 10 सेकेंड के अंदर, इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, इस तरीके से आपको इन 10 सेकेंड, इन 10 सेकेंड आपको अगर जब बोलता है तो आपको अलग अलग रेशियो के फॉर्म आते हैं। SNH का रेशियो अलग अलग आता है, जैसे कि 1:3:5 आपका जो आता है आफ्टर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड के बाद आफ्टर 20 सेकेंड, ये बोलता है। और फिर रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन 10 सेकेंड, उसके बाद इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, ये इस तरीके से आएगा। तो 1:4:9 ये आपको याद रखना है, और आफ्टर 10 सेकेंड वगैरह का जब आएगा तो 1:3:5 आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करके, इफ द दो अगर आपको दो एक्सेलरेशन दिया गिवन होंगे और आपको नेट एक्सेलरेशन जब पूछ रहा होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है इसमें। एक पहला अल्फा, बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू आपका जो है टाइम पीरियड, ठीक है। इस तरीके से आपको बस करना है, आपका जो है टाइम पीरियड जो कर दोगे, इंटू कर दोगे टाइम जितना दे रखा होगा, आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसमें अभी आपको वाले फॉर्मूले नहीं बताऊंगा जो बचपन में पढ़ रखे आपने, v = u + at, s = ut + ½ad2, ओके, v² + u² = 2as, ये सारे फॉर्मूले मैं नहीं बताऊंगा, सबको पता है, ठीक है। s = ut + a½ad, हाँ चलो ये एक मैंने बता दिया। क्यों बताया, इसमें h को ढूंढने के लिए, h कितना आ गया मेरा, h = u² / 2g। कभी भी पूछ लेगा आपको हाइट कितनी आ जाएगी, u² / 2g। कुछ ग्राफ की बात कर लेते हैं, उसके अंदर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मेरे को क्या बताता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, बताता है। और अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा होगा तो उसका जो स्लोप होता है मेरे को वेलोसिटी को
बताता है, क्या बताता है, एरिया, एरिया का अगर देखना होगा आपको, एरिया में एटी ग्राफ में एरिया जो होगा वो आपको वेलोसिटी बताएगा, एक्स टी ग्राफ में आपको स्लोप अगर देख उसमें जो अगर दिया रहेगा दिया होगा वहां पे आपको स्लोप बताएगा आपका वेलोसिटी कितना है, ठीक है, स्लोप बताएगा, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी की अगर मैं बात करूंगा, रिलेटिव में आपको कभी भी रिलेटिव वेलोसिटी की अगर बात कर देता है, तो अगर समझो अगर इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट जा रहा है और दूसरी तरफ से ये वाला ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाओ और इसके कंसिडर कर लो, इसको भी आपको कैसे उसका जो डायरेक्शन देखोगे ये भी आपका उल्टा हो जाएगा। जब आपके सेम डायरेक्शन में होंगे तो आपको ऐड करना होगा, सेम डायरेक्शन में होंगे तो आपको क्या करना होगा, ऐड करना होगा कि माइनस करना होगा, बताइए। अगर आप उसके ऊपर बैठ के अगर आपको कैसे जाते हुए देखने का अपनी तरफ आते हो तो उसकी डायरेक्शन बदल देना, ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है, सेम डायरेक्शन में ये ऐड होते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी को ऐड करना है, सेम डायरेक्शन में इसको क्या करना है, कट करना है, ठीक है, इस तरीके से आपको आंसर देखने को मिलेगा। हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व भी किए हैं और फिर से हम उन क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, आई होप सो आपने देखे होंगे वो वाले क्वेश्चन, तो याद रख लेना। रिलेटिव वेलोसिटी की अगर मैं बात करूंगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी को ऐड करना है, और टाइम की अगर मैं बात करूंगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आपका यहाँ पे आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है, गलत कर दिया किसी ने, मैं इसको चेंज कर देता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, वेट अ सेकेंड, ये आपकी वेलोसिटी होगी, क्या होगी, वेलोसिटी आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देना, बस ये रिलेटिव वेलोसिटी के इतने क्वेश्चन बनते जो हमने देख लिया था। अभी कुछ प्लेन के अंदर हम देखेंगे, इतने ही फॉर्मूले है भाई, इतने फॉर्मूले में आपका पूरा जो है प्लेन वाला जो है टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है, इसमें ये फॉर्मूले प्लीज याद रख लेना, एच आपका एच मैक्सिमम आपका आ जाता है, वी एक्स बाई टू जी, वी वाई स्क्वायर बाई टू जी, मतलब वाई डायरेक्शन में देखना होगा, आर में आपका आ जाता है टू यू एक्स यू वाई बाई जी, क्या आ जाता है, आर आपका टू यू एक्स यू वाई बाई जी, इफ अगर y इज जीरो देन x इज इक्वल टू आर, हॉरिजॉन्टल रेंज देखने को मिलेगी, तो अगर आपका y जीरो है तो आपका x इज इक्वल टू आर देखने को मिलेगा, y के टर्म्स में आपको कुछ ब्ला 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 चीजें दी रही होगी, उसको जीरो कर देना, जो x का x की वैल्यू आपकी आ जाएगी y इज इक्वल टू, आई होप सो, अगर लेट कंसिडर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स अगर दे रखा होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टू एक्स, तो वाई को जीरो कर देना, जिससे इससे जो एक्स की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी हॉरिजॉन्टल रेंज की वैल्यू आ जाएगी जब आपको दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल में अगर कांस्टेंट, प्रोजेक्टाइल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहता है, अच्छा हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन होता है आपको पता है कांस्टेंट जी लग रहा होता है, इसमें कोई बात बताने वाली तो है नहीं, कभी कभी आपका क्वेश्चन पूछ लेता है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी की, आपको याद रखना है वेलोसिटी आपका जो है एक्स डायरेक्शन का स्क्वायर प्लस वाई डायरेक्शन में जितनी होगी तब तो आपकी नेट वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करता हूँ टैन थीटा की, अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे स्लोप आ जाता है तो आपका हमेशा वाई डायरेक्शन डिवाइडेड बाय एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ रेंज सेम होती है जब स्पीड सेम हो एंगल, अच्छा जब मेरी रेंज कब सेम होगी, जब इनको आपका स्पीड सेम हो और एंगल सम जो है 90 भी होना चाहिए, जैसे कि अगर मेरा इस तरीके का दे रखा है मेरे को 30 डिग्री और इस तरीके से मेरे को दे रखा है 60 डिग्री, तो इनका जो है रेंज क्या होगा, सेम होगा, क्या होगा, रेंज सेम होगा। रेंज सेम क्यों होगा इनके अंदर, क्योंकि टोटल एंगल इनका कितना बन रहा है 90 डिग्री, तो इनका रेंज जो होगा मतलब ये एक साथ उतने ही रेंज में गिरेंगे, आप कितनी भी वेलोसिटीज छोड़ दो ये एक ही जगह पे गिरेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको अगर आप इनको विद इन एंगल ऑफ द छोड़ते हो, तो इसमें आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, इस तरीके के क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ हमारे आर के टर्म्स में, एच इज इक्वल टू आर के टर्म्स में हमको याद रखने हैं कुछ फॉर्मूले, एच इज इक्वल टू आर टेन थीटा बाई फोर, ये बहुत बार पूछ लेता है, एच मैक्स की वैल्यू पूछ लेता है, एच अगर मेरा एच बाई टू है टेन थीटा 30 डिग्री पे जा रहा है तो मेरा आर कितना आएगा, इस तरीके के फॉर्मूले पूछ लेता है। आर का भी एक फॉर्मूला आ जाता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई टू जी, आपका आर कितना आ जाता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, इस तरीके का आपको आर भी देखने को मिलता है। एक और हो जाता है आपका यू स्क्वायर साइन थीटा बाई टू जी, आपका एच का फॉर्मूला हो जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट प्लीज याद रख लेना टू वी वाई, ठीक है, वाई डायरेक्शन में जो आपका फ्लाइट होता है उस तरीके से याद रखना है वी वाई बाई जी, और वी वाई का क्या है, वी वाई की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, 4v² इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, ये वाला भी फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है, क्या आ जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको याद रखना है आपको, इज 4 इज इक्वल टू v² इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा बाय जी स्क्वायर, क्योंकि अंदर इसमें हमने वी वाई की वैल्यू डाल दी, वी वाई की आपकी वैल्यू डाल दी,
इसमें रेंज याद रखना है, रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू यू एक्स यू वाई बाई जी, एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में आपको वेलोसिटी, एच की अगर मैं बात करूँ वाई डायरेक्शन के स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाई 2g होता है, नेट वेलोसिटी अंडर रूट एक्स वी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इस तरीके से आता है, ठीक है। सेम चीज रिलेटिव स्पीड अगर आपको दे रखी होगी, समझो अगर आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो और आपको यही पे खड़ा कर दिया, तो आपको जो रेन जो है, रेन की जो इस वाली जो डायरेक्शन आपकी जो है उल्टी हो जाएगी, रेन को किस तरीके से देखने को मिलेगा उल्टा, ठीक है इस तरीके से। और इसमें भी आपको टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम कर देना, आपका आसानी से रेन वाले जो प्रॉब्लम है, जितने भी रेन वाले प्रॉब्लम है आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है तो प्लीज एक बार आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को जरूर देख लेना, आप उसमें और भी अच्छे तरीके से किन्हीं फॉर्मूलों को हमने यूज किया है उन क्वेश्चन प्रैक्टिस में, तो आपको उनसे थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, सी यू गाइस। अगर आपको सही में इससे वैल्यू मिल रही है तो डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।